सम्मान करता हूँ सफदरजंग का। हाँ, सफदरजंग हॉस्पिटल है, सफदरजंग एयरपोर्ट है, रोड है, सफदरजंग बहुत रॉयल आर्मी। सबसे बड़ी बात जिसका मैं कायल हूँ, मतलब जिसकी वजह से मैं इसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हाँ, ये अपनी वाइफ के प्रति इतना लॉयल रहा और उसे मानता रहा जिंदगी भर। राजा और एक बीवी हो ही नहीं सकता, लेकिन ये आदमी की ईमानदारी तारीफ करने लायक है। जहां आदमी तारीफ करने लायक है उसकी की जाएगी यार, उसमें दिक्कत ही क्या है। जब तुम पावरफुल होकर संयमित रहते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन तुम संयमित हो। शंकर जी भगवान क्यों है? भगवान इसलिए है क्योंकि कुबेर को पकड़ लाते हैं अपनी बीवी के लिए घर बनवाने के लिए। तुमको एक अंगूठी देने में हालत खराब है, उनकी वाइफ ने कहा कि मुझे मकान चाहिए रहने के लिए। हाँ बोले बुला, कुबेर को बुला लिया। हाँ भैया मकान बना, सोने का मकान, सोने का महल। अब चूंकि भगवान है, अब देखो कहानी, भगवान है तो किसी एक जगह एक उनका घर नहीं हो सकता, भगवान का घर नहीं हो सकता। तो कहानी यह है कि महल बना तो हाउस होमिंग सेरेमनी के लिए पंडित बुलाया गया, प्रीस्ट रावण के बाप को। तो रावण के फादर उसकी माँ दोनों आई थी, और पंडित लालची ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो उसकी माँ ने कहा कि सुनो जी, यही मांग लो महलवा। उसको बेचारे को बड़ा ऑड लगा, पर लेडी सोना देख के बौरा जाती है, और फिर सोने का महल देख लिया उसने। एक्सेप्शन आर एवरीवेयर। बेचारे संकोच करते थे कि अरे नहीं, भगवान का घर बनाया अपनी बीवी के लिए, क्या मांगे? बोला नहीं मांगे घर, चलो तुम। तो बेचारे डर के मारे, शंकर जी ने कहा अच्छा बताओ क्या चाहिए दक्षिणा। बोले सरकार यही महल ले दो। तो ना देवी, अब देखो ये भगवान का दूसरा लक्षण, यहाँ बहन आधा हिस्सा मांग ले मकान में हालत खराब हो जाती है। कोई आदमी भगवान इसीलिए है, जो आदमी ताकत होने के बावजूद भी उसका दुरुपयोग नहीं करता वो महान है, वो भगवान है। क्योंकि ताकत आदमी को दिमाग खराब करती है।